नाजिन इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले यासिन मलिक साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जबकि लियाकत अंसारी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ हैं। हमारे दोनों नुमाइंदगान पंजाब असम्बली में ही मौजूद रहते हैं जब भी सेशन होता है, ना सिर्फ इस दौरे हुकूमत में बल्कि बहुत से दौरे हुकूमत इन्होंने देखी हैं और देखा है कि पंजाब असम्बली मुख्तलिफ चेहरों के साथ काम किस तरह से करती है, तो इनके तजुर्बात से हम फायदा उठाते हैं। सबसे पहले मलिक साहब ये बताइएगा, 100 रोज से जायद हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, हम देख रहे हैं कानून साजी स्लो तो क्या शुरू ही नहीं हुई है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, ये एजेंडा है कि हमने ये जो स्लो प्रोसीजर है उसके ऊपर आवाज उठानी है, क्या कहेंगे इस पे? मैं ये समझता हूँ कि 100 रोज यकीनी तौर पर उधर अगर मुकम्मल हो गया, लेकिन इधर भी 100 रोज मुकम्मल करने पार्लियामानी साल के, यहाँ साल के 100 दिन यानी एक साल में 100 दिन इजलास होना जरूरी होता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो रवां इजलास है ये वो 100 रोज पूरे करने के लिए जिसका आगाज किया गया है, वरना इसमें कोई ऐसी कानून सजी नजर नहीं आ रही, कोई बेशुमार रुकावटें हैं, कोई कमेटियाँ नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, अपोजिशन तावन नहीं कर रही, आपस ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपोजिशन तावन नहीं कर रही, ये वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये हमारा PAC का फंड का चेयरमैन होना चाहिए, अपोजिशन लीडर ये और उससे बनाना नहीं चाह रहे हैं, और वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम मसलसल चल रही है। आज का जो इजलास है इसमें अगर बात की जाए तो इस इजलास में ये अब तक का ये सबसे पुरअमन इजलास रहा, अगरचे दरमियान में वो शोर शराबा हुआ एक हुकूमती वजीर की गलती की वजह से, बाद में फौरी तौर पर संभल गया, और ये बाकी जितने इजलास हुए हैं उसमें पूरी तरह हंगामे भी होते रहे, शोर शराबा भी होता रहा, अपोजिशन ने भी सब अपना किरदार पूरा अदा किया, लेकिन फिर मजमूई तौर पर सिर्फ ये जो ज़रात पे और ख़ुराक पे एक जो बहस की इन्होंने, मैं समझता हूँ ये कारगर है, ये इसके बड़े अच्छे आगे जाकर यकीनी तौर पर अगर बेहतरी आ सकती तो आएगी यकीनी तौर पर। आपने बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, आप कंपैरिजन करें पिछली दौरे हुकूमत जो कि शहबाज दौरे हुकूमत थी जिन्होंने 10 साल पंजाब पे हुकुमरानी की है, लेजिस्लेशन का अमल तब कैसा था, अब इस 100 रोज में लेजिस्लेशन का जो अमल है वो कैसा देख रहे हैं? अगर साबिक हुकूमत की बात की जाए तो लेजिस्लेशन के प्लेटफॉर्म पे वो अच्छी थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वहाँ पर एक नन्ही मुन्नी सी अपोजिशन थी गुज़श्ता, इसलिए हुकूमत को कोई मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ा। बहरहाल उस दौर में हुकूमत में एक मसला था, कोरम पॉइंट आउट होता था और बार बार कोरम टूटता था, लेकिन फिर भी हुकूमत ने एक मिसाली कानून साजी की थी। अगर इनकी बात की जाए तो ये हुकूमत कुछ जिद की नज़र हुई है, मतलब ये इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर एक जिद कायम किया कि हमजा शहबाज को हमने नहीं बनाना, मरकज में जो फैसला होगा तब वही फैसला हम पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे फैसले मरकज में ही हो रहे हैं, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब या वजीरे जो के सूबे की सतह तक वसीर हैं तो फिर उनको भी कुछ करने दें, कुछ मैदान तो दें कुछ खेलने के लिए, कप्तान जो है खिलाड़ियों को अगर मैदान में उतारे नहीं उतारेंगे और तमाम डिसीजंस खुद लेते रहेंगे तो फिर ये टीम वर्क नहीं होगा। पर ये हुकूमत को देखें, इस पर सबकी का सामना भी करना पड़ा, एक भी कानूनी बिल जो है उसका मसौदा अभी तक असेंबली में ले नहीं हुआ, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकी, पार्लियामानी सेक्टरियों का तकरार नहीं हो सका, तो हुकूमत ने जो असेंबली से रिलेटेड फैसले हैं वो अभी तक एक भी फैसला नहीं किया। क्या चाहती क्या अब हुकूमत, मरकज क्या चाहता है? मरकज ये चाहता है कि शहबाज शरीफ और माइनस ख्वाजा आसिफ कोई अपोजिशन लीडर आ जाए, अच्छा। जब वहाँ सॉरी अपोजिशन लीडर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आ जाए और वही पे प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे कि माइनस हमजा कोई और मसलन इनमें से कोई मुस्लिम नून का रहनुमा ले ले, पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा ले लें, या कोई हमजा की बजाय किसी और का नाम दे रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, और बाकी कमेटियों के चेयरमैन में जो कोटा बनता है इनका तकरीबन, क्योंकि थोड़े से तो सीटों का फर्क है, 10-15 सीटों का फर्क है दोनों के कोटों का, तो अरकान के तनासब के लिहाज से ये चाहते हैं। लेकिन साहब माइनस नवाज शरीफ, माइनस शहबाज शरीफ और माइनस हमजा, तो क्या नून लीग ये माइनस वाला फार्मूला अब मजीद अपने ऊपर चलाने देगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फार्मूला कोई कारगर है, अगरचे इन्होंने मरकज का देख इंतजार कर रहे हैं कि मरकज में वो क्या होता है, वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, अब उसके वो एक चीज़ लगे, मेरा ख्याल के मुताबिक यहाँ एक चीज़ लग होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको नाम मंजूर है वो तो इस तरह फिर ये भी उन्हें कह देगा और नाम तजवीज़ करें, अगर वो नहीं करते तो फिर उनको अपना और कोई फार्मूला ले आएँ, लेकिन टाइम जो ज़ाया कर रहे हैं इस वक्त बहुत कीमती टाइम है, ये यानी इस यानी अगर वो तनकीद उन पर की जाती है तो वो खुद मौका दे रहे हैं, अगर वो मौका ना देना चाहें तो इसको कोई ना कोई हल निकाल लेते, मुझे लगता है जैसे हुकूमत इस मामले में संजीदा ही नहीं है। तो क्या हल हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ दी थी मरकज के प्लेटफॉर्म पे कि आप ऐसा करें कि 2 साल का कमोबेश ऐसे ऑडिट पे रहे हैं जो मुस्लिम नून के रिलेटेड है, तो आप जो है शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें और एक सब कमेटी बना दें, वो सब कमेटी जो है उन 2 साल के ऑडिट पैरों का
ऑडिट करें, उनका जायजा लें, उनके बारे में फैसले दें। पहले शहबाज शरीफ साहब ऑडिट करें और फिर वो सब कमेटी। नहीं नहीं, शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना के एक सब कमेटी बना दी जाए, वो उन दो साल के ऑडिट पैरों का वो जायजा ले। जब वो ऑडिट पैरे नून लीग के दौर के रिलेटेड खत्म हो जाए और पीटीआई का दौर शुरू हो जाए, फिर हमजा जो फिर शहबाज शरीफ जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पे अपना किरदार अदा करें। ये पीपल्स पार्टी ने तजवीज दी थी, बहरहाल वो तजवीज अभी तक मानी नहीं उन्होंने। और यहाँ पर भी जो है, अब अगर आप तहरीक इंसाफ के पास अपनी कोई तजवीज है, कुछ खुद बताना चाहते हैं, कोई मतला जो है अबर आलूद है, कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं? नहीं, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ही तजवीज है कि माइनस शहबाज शरीफ कोई भी नाम दे दें, अच्छा, ख्वाजा आसिफ के अलावा, अच्छा, तो वो उनको चेयरमैन पंजाब में वो हमजा शहबाज पे भी कह रहे हैं कि उसी तरह के इल्जाम है जैसे शहबाज शरीफ पे हैं। हमजा शहबाज की भी नैब के खिलाफ, नैब में उसके खिलाफ इंक्वायरीज हैं, तो वो कहते हैं कि नून लीग मानेगी माइनस हमजा का फार्मूला? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो नहीं मानेंगे। अगर वो अपने सारे लीडर्स, कैसे काम चलेगा? आवाम सफर कर रही है, वक्त जाया हो रहा है, तो फिर जिद है ना। इसी नतीजा ये निकल रहा है कि आपके 100 दिन पूरे हो गए हैं और आपकी यहाँ पर कोई कमेटी नहीं बनी। जब तक कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तो आप बिल कैसे पास करवा सकेंगे? ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, वजीर कानून राजा बशारत ने एक तजवीज दी थी कि स्पीकर को ये PSC1 का चेयरमैन के लिए माजर चाहते हैं। इखलाक बाजवा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये अगर वो स्पीकर को बना देते हैं, मेरा ख्याल है जो शायद ना बन सके, अगर बन गए तो वो भी बहुत ज्यादा तनकीद है, क्योंकि वो हुकूमत से रिलेटेड है, उनके इत्तेहादी हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें फिर बहुत ज्यादा इख्तलाफ होगा। अच्छा, इखलाक बाजवा साहब हमारे सीनियर कॉलीग हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बात यहाँ पे ये हो रही है बाजवा साहब के पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बना है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, कानून साजी जो है उसका अमल स्लो तो क्या अभी शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ पे नुकसान आवाम का हो रहा है और डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं और माइनस हमजा शहबाज है, इसकी फार्मूले की गूंज जो है वो गूंज रही है असेंबली में। तो अब होगा क्या? नून लीग तो नहीं मानेगी हम माइनस हमजा वाला फार्मूला? अब इस पर ना दो तीन किस्म की तजावीज़ आ रही हैं। मरकज में एक तजावीज़ ये तजवीज़ आ रही है कि जो पंजाब में दो PAC होती हैं, 1 और 2, इसी तर्ज पर वहाँ पर मरकज़ में बना दी जाए, तो जो नून लीग के जो मंसूबे हैं वो हुकूमती जो PAC होगी वो उसको देख लेगी, और उसके बाद जो है वो जब इनके मौजूदा हुकूमत के ऑडिट पैरास आएंगे तो उसमें वो अपोजिशन लीडर जो है वो देख सकेगा। तो ये तजवीज़ अब यहाँ पर ज़ेर बहस है कि अगर तो मरकज़ में ये मामला ठीक हो जाते हैं तो पंजाब में भी फिर ऐसा ही होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक स्पीकर पंजाब असम्बली की बात है, तो स्पीकर का मनसब जो होता है ना वो गैर जानबदार होता है, तो वो किसी भी सूरत में PAC की चेयरमैनशिप के लिए मौजू नहीं है। और दूसरी जो बात, जहां तक आपने अवाम की बात की, तो सूरत हाल ये है कि आज मेरे हाथ में ये जो एजेंडा है इसमें आज पंजाब असम्बली का जो ईवान है वो 371 में से 369 पर मुश्तमिल है, और उनमें से जो अराकीन है उन्होंने जो सवाल दिए हैं, ये एजेंडा मेरे सामने है, 8 सवाल जो हैं आज के एजेंडे का हिस्सा थे। 2 महकमे थे, महकमा ट्रांसपोर्ट और औकाफ और मजहबी उमूर से मुतलक, सिर्फ 8 सवाल, और उनमें से भी 4 सवालों के जवाब आए, 4 सवालों के जवाब ही नहीं आए। हमारे इस हवाले से जब अराकीन असम्बली से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि यार हम क्या सवाल दें, महकमे जवाब ही नहीं देते, बार वक्त जवाब ही नहीं आता, तो उसका फायदा देने का और अदन दिल ये क्या हो रहा है? ये तो गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये यानी करियर में अपने पहली दफा देख रहे हैं कि ऐसे चल रहा है, गैर संजीदा किस्म का इजलास हो रहा है, गैर संजीदा किस्म के लोग बैठे हुए। बड़ी बात आपने कर दी कि अपने करियर में आप पहली दफा इस तरह हम ना संजीदा चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है, बिल्कुल गैर संजीदगी से इजलास चलाया जा रहा है, कोई सर पाओ को नजर नहीं आ रहा। हुकूमत यानी अभी तो आज की पॉलिसी यानी दो वाइंड अप से पीछे हुई है, दो बुजुर्ग हुकूमत के पास तजुर्बा नहीं है, इस वजह से तजुर्बा है वही लोग मौजूदा हुकूमत के पास, वही एक तसलसल तो वही चल रहा है ना। अब दो बुजुर्ग हैं जिसमें एक वजीर खुराक और वजीर ज़राअत, उन्होंने वाइंड अप किया, अब एक ही मौजू पे दो इनकी आपस में ही उनके लफाज नहीं मिल रहे थे। एक ने कहा कि जरी पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरे ने कहा जरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एक ही पार्टी के दो बुजुर्ग, एक और एक ने कहा कि हमें अपोजिशन के मशवरे नहीं चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं हम खैर मकदम करते हैं। यानी यहाँ तक देखे, एक के बाद यानी चंद मिनटों के बाद उसकी तकरीर थी और दोनों में इतना इख्तलाफ था। तो ये आपका तजुर्बा क्या कहता है, जो सहाफती आपका करियर है उसमें आपने देखा है कि इतना स्लो लेजिस्लेशन का अमल? देखें, स्लो लेजिस्लेशन का अमल इसलिए भी है कि हकूमती डिपार्टमेंट अभी जो है वो अपनी लेजिस्लेशन प्रपोज करने के प्रोसेस में है। अच्छा। इसलिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने जो लेजिस्लेशन प्रपोज की थी तकरीबन कोई 8 से 9 बिल जो है वो पंजाब काबीना ने मंजूर कर लिए हैं। अब मसला ये है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती। वाइंड अप करते हैं, मुझे एक एक करके आप लोग अपने जो तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर तजावीज दीजिए। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि हुकूमत आ चुकी है, आवाम की फलाह के लिए काम करना है,
تجویز اگر آپ دیں اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کے معاملے میں اور لیجسلیشن کا عمل اسٹارٹ کرنے اور اس کو تیز ذرا ایک گیئر لگانے کے معاملے میں کیا تجویز دیں گے؟ میری تو تجویز یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مذاکرات پہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کارڈس ہوتے ہیں، اپنے کارڈ شو کریں، ان کے کارڈس دیکھیں اور کہیں کمی بیشی کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں۔ اپوزیشن کی بات کو بہرحال ماننا حکومت کا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حکومت کو ایوانس سموتھلی چلانا ہے، اپوزیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے انہیں اپوزیشن کی کوئی نہ کوئی بات مان کے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو مکمل کرنا چاہیے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی بنے گی تو پھر بل جو ہے وہ کمیٹیز میں جائیں گے، پاس ہوں گے تب ایوان پاس کرے گا، جب اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہوں گی تو بل کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے حکومت کو بہرحال لچک دکھانی چاہیے، حکومت کو اپوزیشن موڈ سے نکلنا چاہیے اور اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے کے لیے۔ یہ بات تو میں نے بہت ساری لوگوں سے سنی ہے کہ اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپوزیشن کے موڈ سے نکلنا ہے۔ نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے، تجویز بھی دیجیے ساتھ میں۔ وہ ایسی لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی تک خود کو اپوزیشن میں ہی سمجھ رہے ہیں۔ عمران خان نے خود بھی کہا کہ مجھے میری بیگم صاحبہ آواز کا بتاتی ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں، تو یہ پرائم منسٹر ہیں آپ، ذرا اس طرح آپ نے یہ حل کرنا ہے، آپ نے تنقید نہیں کرنی، تو یہاں بھی یہ وہ نیچے تک اثر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک یہ کمیٹیوں کی تشکیل نہیں ہوگی اس وقت آگے یہ نہیں بڑھیں گے۔ اب میری پچھلی حکومتیں بھی پہلے بھی دیکھی، کئی حکومتیں وہ اتنی دیر تاخیر نہیں ہوتی ان کے کمیٹیوں کی تشکیل کرنے میں، یہ زیادہ تاخیر کر رہے ہیں جو ان کے اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں جب گزشتہ نون لیگ کا پنجاب میں دور 100 دن کے دہانے پر پہنچا تو 15 سے 16 قوانین پاس کروائے جا چکے تھے، کمپیریزن کرے تو ابھی ایک بھی قانون پاس نہیں ہوا، تو آپ کیا تجویز دیں گے؟ یہ سلسلہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ اس کو فرسٹ گیئر یا سیکنڈ گیئر کیسے لگ سکتا ہے؟ اچھا، جہاں تک قانون سازی کی بات ہے تو حکومت یہ قانون سازی کر سکتی ہے، اس کے لیے رولز اور پروسیجر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر قائمہ کمیٹی تشکیل نہیں ہوئی تو ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی قانون سازی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے، رولز اور پروسیجر اس کی اجازت دیتی ہے، تو اگر حکومت سنجیدہ ہو تو یہ عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں مدیحہ، کہ حکومت کو بالآخر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا اور ان کے اسی طریقے سے پھر معاملات بھی سیٹ ہوں گے، اور یہ حکومت کا یہ سمجھ لے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا، اپوزیشن کو دینی پڑے گی سربراہی پی اے سی کی۔ بہت شکریہ اخلاق باجوہ صاحب، یاسین ملک صاحب، بہت شکریہ لیاقت انصاری صاحب۔ ناظرین، یہ وہ نمائندگان تھے جنہوں نے اپنے بال سفید کیے ہیں اسی پنجاب اسمبلی کے سیشنز جو ہیں وہ کور کر کے، اور اپنے وسیع تر تجربے سے یہ بیان کیا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں قانون سازی کا جو عمل ہے اس کو تیز کرنے کے لیے۔ یہ تمام تر تجاویز جو ہیں ہم نے پروگرام ٹاپ سٹوری کے توسط سے آپ تک پہنچائی ہیں، اور اس کے اوپر ایم پی ایز کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ تک پہنچایا ہے۔ آج کی ٹاپ سٹوری سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔